वेलकम टू अ मिस्ट्री बॉक्स फॉर बोथ मम्मा एंड पापा। तो रिसेंटली मैं गई थी जयपुर एंड आई वेंट टू बापू बाजार एंड गॉट अ बंच ऑफ डिफरेंट हटके थिंग्स फॉर बोथ ऑफ देम। यार स्ट्रीट शॉपिंग में ना 70% वेमेन के लिए मिलता है, तो इस वीडियो में भी वो परसेंटेज मेंटेन है। 70% थोड़ा मम्मा के लिए मिला है, बट पापा के लिए मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के आई गॉट व्हाट एवर। नहीं 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 तीन तीन आई गॉट थ्री थिंग्स मेहनत किया था। But I guess for that, let's start with what I could find for dad. But एक बार चलो तो सही मार्केट मेरे साथ, देखो what it looked like, what is the collection, and then let's come back. Hi, today we've come to जयपुर और हमारे बापू बाजार। तो आज मैं बनाऊंगी फैमिली मिस्ट्री बॉक्स, मतलब मम्मी पापा दोनों के लिए। I'm gonna search for like unique items which are exclusive to जयपुर। So let's go. अराउंड उन्होंने इतना टाइम निकाल के मुझे पूरा मार्केट घुमाया। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। आर यू रेडी? रेडी। ओके, लेट्स गो। द फर्स्ट आइटम इज दिस कुर्ता। ओह, अजरक प्रिंट में, वेरी गुड। आई थिंक ये कलेक्शन में नहीं था हमारे पास, कुर्ता बहुत सारे बट ये कलेक्शन में नहीं था। वेरी नाइस। ये मम्मी की प्रिंट चॉइस है पर पापा का फेवरेट कलर है एंड शॉर्ट कुर्ता है तो ही कैन वेयर ऑन डेनिम आल्सो। यस ट्रू। दिस आई गॉट फॉर 450 rupees। ओह, 450 इज टू मच। नो, आई थिंक इट्स अ गुड कपड़ा। या ओके, क्लोज इज गुड। अच्छा, क्लोज द लाइट। आई डोंट थिंक पापा वुड हैव सीन एनीथिंग लाइक दिस बिकॉज़ मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही, बट आई गॉट यू दिस। अब खोल सकते। बट कपड़ा मटीरियल अच्छा, मेन में हमेशा लेदर ही देखा है मैंने, तो आई थॉट कि कभी कैजुअल वेयर के लिए इफ डैड वांट्स टू स्टाइल जूतीज। द ओनली थिंग इज कि लिटरली एक ही कलर और एक ही प्रिंट थी, तो रेड मे नॉट गो विथ एवरीथिंग, पर मुझे पसंद आए तो मेरे। बट इट्स गुड, इट्स नाइस। आई होप द साइज इज फाइन एंड आई गॉट दिस फॉर 300 rupees। ही इज ट्राइंग इट इमीडिएटली। थोड़ी बड़ी है ना? थोड़ी बड़ी है, पर थोड़ी बड़ी है। ओके, चलो यू कैन वेयर उसमें ये नो शो वाले सॉक्स, तो फिर बराबर आ जाएंगे, है ना। एंड द फाइनल थिंग इज पापा के पास एक सिमिलर थिंग है व्हिच मेक्स मी बिलीव दैट ही विल लाइक दिस एज़ वेल। दिस इज अ सेम थिंग आई हैव इन ब्लू, वाइट पे ब्लू हाथी है एंड बहुत पापा ने कम से कम वो 20 बार पहन लिया अभी तक। आई थॉट इट्स टाइम टू चेंज। दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। दिस आई गॉट ओनली फॉर 350 एंड आई थिंक ही लाइक्स पिंक कलर आल्सो, सो बहुत अच्छा लगेगा। 350 फॉर दिस इज वेरी गुड। एक तो मुंबई में आई डोंट सी दीज काइंड ऑफ प्रिंट्स अ लॉट एंड सेकेंडली वेस्ट साइड वगैरह में तो 1000+ से स्टार्ट होता है, सो आई लव दिस। आई थिंक आई शुड हैव बॉट अ कपल मोर। हेली, ये हम दोनों भी ट्राई कर सकते हैं, राइट? हम डेनिम शॉर्ट्स पे एक तो बोलेंगे थीम चीज लास्ट से भी एक हड़पने का इंटेंशन शुरू हो गया। बट यू कैन ट्राई द स्नैक्स एंड गो। सो इन एवरी मिस्ट्री बॉक्स वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम लोकल स्नैक एलिमेंट एंड फॉर दैट एक तो मैंने खुद की पसंद का लाया है और एक जो वहां का फेमस था ना वो लाया है। आई हैड जोमैटो एग, इवन
ये आई थिंक उनके अकेले के लिए नहीं हो सकता है। हाँ नहीं, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, बट आई वाज लाइक पापा चले जा रहे हैं उसके पहले लेट हिम टेस्ट। सो दिस इज पोटैटो सली, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट ये उधर का बहुत फेमस नमकीन स्नैक है। एंड द सेकंड स्नैक आई गॉट इज अ मिक्स पर्सन, इट हैज एवरीथिंग। आई हैव ऑर्डर्ड एवरीथिंग फ्रॉम शंकर नमकीन भंडार विच इज वेरी पॉपुलर ओवर देयर। आई थिंक मम्मी पापा को ये वाला ज्यादा पसंद आएगा। गुड, सो क्रंची, थोड़ा तीखा, थोड़ा मसाले वाला। ये दो चीज के साथ में बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश लाइम सोडा और एल्स टी। गुड गुड, आई लाइक दिस। बिग शाउट आउट टू कुमार कजिन्स यशवान आयुष, दे रेकमेंडेड दिस प्लेस एंड दी स्नैक, सो बहुत अच्छी रिकमेंडेशन थी। सर अगला स्नैक देख लेना पड़ेगा, बट नहीं, आई फील पापा के रिएक्शन इतने यूनिक है ना, ही शुड सी व्हाट आई गॉट फॉर मॉम आल्सो। नाउ आई हैव सो मच वैरायटी, लाइक हर कैटेगरी में आई हैव तीन तीन चार चार चीजें कि ऑल्टरनेट करते, लाइक पूरा पूरा आउटफिट ही बना के देते हैं, दैट वुड बी अमेजिंग। ओके, सो व्हाट ड्रेस वुड आई लाइक टू गिव हर फर्स्ट? द फर्स्ट आउटफिट आई हैव फॉर हर इज दिस, ओपन। बहुत अच्छा तो लग रहा है। तो बेसिकली मम्मी लव्स टू एक्सपेरिमेंट, इसलिए मेरी नजर हटके पीसेस पे ही थी वो क्लोथिंग। इट्स अ क्रॉप्ड शर्ट। यस, मैंने नीचे का अभी नहीं देखा सेकंड पार्ट, बट यही चीज को बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सोचूं तो यस, फुल जींस के ऊपर, इवन हाफ पैंट के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। बट देयर इज मोर, इट्स अ स्कर्ट सेट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और इसके पीछे भी पॉकेट, तो साइड पे तो है ही बट पीछे भी है, सो इट्स वेरी फंक्शनल। दिस आई गॉट फॉर 700 रुपीज, 700 रुपीज का मिला था ये, विच इज स्टील्स, बट अच्छा है। मटेरियल भी कॉटन है, जो ओल्ड सीजन में हम लोग पहन सकते हैं, ब्रीदेबल है, सो बहुत ही अच्छा लगा। दिस गोल्ड फॉलिंग ऑन दिस, एंड साइज भी मैंने मेरे साइज कर लिया, तो मम्मी को तो आराम से आ जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट लाइक बैक ऑन द सेम साइजिंग नाउ। Now with this, I have these footwear for her to style. Khulo. Very nice, बहुत ही अच्छा है। Same color scheme with gold falling, लेकिन घुंघरूज, because she loves घुंघरूज, and छोटी सी block heel है। मेरे पास कलेक्शन में ऐसी है, बट ये प्रिंट में नहीं है, बट सारी फ्लेट्स है। जैसे इसमें थोड़ी सी हिल है, तो यस, बहुत ही मतलब समथिंग कुछ ऐसा है जो मेरे कलेक्शन में नहीं था। एंड आगे से भी ये इलास्टिक जो ये है स्ट्रिंग, उससे फिटिंग काफी अच्छा बैठता है। तो ये बेसिकली जूती नहीं है, ये प्रॉपर हील या ब्लॉक सैंडल्स बोल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई लाइक, प्लस सिर्फ 250 रुपीज। I was shocked because जो नॉर्मल जूती होती है ना विद घुंघरूज, वही मैं 400-500 की देखती हूँ। सो द एंटायर थिंग विदाउट बार्गेनिंग फॉर 250 वॉज लाइक, बापू बाजार में ये सब चीजें बहुत अच्छी मिलती है। इवन इसका सोल भी काफी अच्छा लग रहा है। आई एक्चुअली वोर दिस एंड इसका एक्चुअल गेटअप ना पहनने के बाद आता है। ये देख के तो इवन आई वॉज लाइक हाउ इज इट, बट पहन के बहुत वाव लग रही थी। एनाफ फॉर द बैग विच स्टार्टेड माई क्रेजी ऑब्सेशन विद दैट शॉप, आई गॉट हर छोटी सी है कि स्लिंग बागेट दोनों स्टाइल से अच्छी लगेगी। सेकंड थिंग, ये इंडिगो कलर में है। इंडिगो मेरे पास बहुत सारे है, आई लाइक, क्योंकि इंडिगो कलर ही ऐसा है कि आप किसी के भी साथ में स्टाइल कर सकते हो। व्हाइट कलर, इवन ब्लू के साथ में जाएगा, ब्लैक कलर, वेरी नाइस। छोटे छोटे बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। आई नो इसमें फोम भी नहीं आएगा, बट दिस इज अ वैनिटी बैग यार, मतलब पसंद आते क्यूट छोटी सी चीजें। दिस वॉज ओनली फॉर 120 रुपीज, जो नॉर्मली व्हेन आई सी स्टफ हियर द स्मॉलर द मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज अगेन फैशन है, ट्रेंडी है, बट इन जयपुर फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि छोटा वॉज फॉर अ लेसर प्राइस एंड बड़ी चीजें वो फॉर अ मोर एक्सपेंसिव प्राइस। सो
love that. I don't think this may match. This may or may not match. But yeah, this is the first bag. Let's move on to the next up. Watch out for the shop named Khalsa Jaipur. I think मैंने सारे के सारे outfits यहीं से लिए because this was the one shop जहाँ reasonable prices पे हटके clothing I was finding. So, okay. I have a dress for you. So this is a matchy matchy पप्पा के साथ. पप्पा के शर्ट पे भी elephants है, मम्मी के dress पर भी elephants है. ये देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये like short है gents के लिए. Yeah. वैसे मुझे कॉलर वाले भी वन पीस बहुत पसंद है. I'm very excited for her to see the style. Wow. तो मम्मी के पास एक न्यूड कलर में ऐसा ड्रेस है, सेम लेंथ सेम कट एंड शी वेयर्स दैट अ लॉट. उसको फ्री और खुला खुला फील होता है इन शर्ट ड्रेसेस. So I think that's why she बहुत ही अच्छा है. इवन स्लीव्स में भी इलास्टिक है यहाँ पे. सो यस. और इतना पकड़ने से पता चल रहा है कि कपड़ा जो है वो बहुत ही मलमल के जैसा सॉफ्ट है. सो पहनने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा. और ये प्रिंट वन पीस के अंदर बहुत ही अच्छी है. मैं खुद वेट कर रही हूँ इसको अलग अलग तरीके से स्टाइल करने के लिए. वेरी नाइस. दिस वाज अराउंड 650 रुपीज. इसमें ना सेम प्रिंट में मेन के लिए शर्ट भी था. बट दिस इज द लास्ट स्टॉप इन माई मिस्ट्री बॉक्स शॉपिंग. तो मेरा बजट खत्म हो गया था बाय दैट टाइम फॉर दिस मिस्ट्री बॉक्स. मैंने नहीं लिया बट दे हैड सेम वैसे मेन वुमेन क्लोथिंग. सो Enjoyed it a lot. अब इसके साथ मैच होंगी ये वाली फुटवेयर. Now I don't know कि मम्मी के टेस्ट की है कि नहीं, पर ये डेफिनेटली मेरे टेस्ट की है और मुझे आ भी गई थी. तो I was like चलो ये ले लेते हैं because मम्मी को normally ऐसे नहीं पसंद आता. She does not like चप्पल. मुझे पसंद है, मतलब ये जो बीट्स है ये कपड़े के ही बने हुए है. सो मैं इस टाइप में एक्चुअली काफी टाइम से मैं सर्च कर रही हूँ ज्वेलरी. यस. सो ऐसा नेकलेस भी आता है और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है. बट नहीं, मुझे बहुत पसंद है. एक तो मेरा फेवरेट कलर है येलो कलर. एंड दीज आर टाई अप सैंडल्स. सो टाई अप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. ड्रेस की लेंथ शॉर्ट है ना, तो टाई अप दिखेगा भी एक्चुअली. सो इट विल बी नाइस. दिस वॉज फॉर 250 रुपीज ओनली अगेन. छोटी छोटी डिटेलिंग भी देव डन इट सो वेल. क्योंकि जो लूप है जिसमें से टायर पास हो रहा है वो भी एक पीयू लेदर का है. तो जो भी दिख रहा है वो सब बहुत अच्छे से किया गया है. एंड दिस येलो कलर इज सो फन कि सब पे अच्छा लग रहा था. पॉप ऑफ कलर भी है बट इवन द ड्रेस हैज येलो लिटिल कलर्स ऑन द एलिफेंट्स. तो ये उसके साथ मस्त लगेगा. एंड लेट्स इमेजिन कि मम्मी इज ऑन वेकेशन इन दिस ड्रेस. तो वेकेशन पे क्या पसंद है? हाथ फ्री रखना. एंड फॉर दैट आई फाउंड हर दिस बैकपैक. नाउ दिस इज सेमी अजरक प्रिंट. थोड़ा सा सिल्वर फॉइल वर्क है इस पे एंड इट हैज टू कंपार्टमेंट्स. सो आई नो मम्मी लव्स हर कंपार्टमेंट्स. ओ आगे एक और है थर्ड कंपार्टमेंट. एंड इसमें आर अम्ब्रेलास, रूम कीज एंड वाटर बॉटल, कैप, सनग्लासेस का डब्बा, सब अच्छे से आ जाएगा. सो इट्स गोना बी अ ग्रेट लुक. फिनिशिंग जो पेस्टिंग भी बोलते हैं वो भी काफी अच्छी की हुई है. आई नो द चेन हाँ मे टेक अ वाइल टू एडजस्ट बट दिस वाज ओनली फॉर 400 रुपीज. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेड जिप पिक होगी बट इट्स अ ग्रेट यूटिलिटी बैग फॉर 400 रुपीज क्योंकि काफी चलेगी. इसकी प्रिंट भी बहुत ही फन है, इंडो वेस्टर्न है. सो दैट वॉज हर लुक नंबर टू. शोइंग यू समथिंग जो मिस्ट्री बॉक्स का पार्ट नहीं है बट इट्स अ मैची मैची थिंग. आई वॉन्टेड टू इन विद मॉम. So I got same print में a laptop bag for me क्योंकि whenever we go on a trip I never go without my laptop and my hard drives. So she can be on the backpack, I can be wearing this laptop bag and it is humongous. इतनी सारी जगह है and it comes with a long strap also. तो अगर handle से नहीं पकड़ना तो भी it's okay. And जो Indian office looks होता है ना कुर्ता एंड और उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी. This reminds me a bit of Zook. They have great ऐसे formal bags. But this was for 700 rupees, which is again a steal deal. आगे भी छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे चार्जर आ सकता है, यहाँ पे ईयरफोन्स आ सकते हैं. सो दिस इज अ लाइक आई लव दिस. प्लस विल यू बिलीव दिस पैडिंग ऑन द इनसाइड. तो यहाँ पे लैपटॉप बिना स्लीव के भी डाल सकते हैं. इतनी छोटी छोटी बारीकियों का भी ध्यान दिया गया है. मैंने सब सोरका से नाम वगैरह लिया है. सो इफ यू वांट टू बाय द एग्जैक्ट सेम थिंग्स यू नो वेयर टू गो. दैट्स द पर्पस ऑफ डूइंग दीज मिस्ट्री बॉक्सेस ताकि व्हेनेवर यू आर इन दैट सिटी यू ऑल्सो गो टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स एंड हैव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट यू कैन बाय. नाउ फॉर एन आउटफिट जो मुझे चुराना है मम्मी से. सो दिस इज द आउटफिट. Why I love this so much is इसमें size का कोई restriction नहीं है. Literally anybody from extra small to XL or even more can wear this. This
is a beautiful block printed skirt and scarf top set. I know, even I couldn't believe ki aisa kuch mil sakta hai, but I saw this on a mannequin and that is a wraparound skirt. Okay, yes. चार अलग स्पॉट्स पे बटन्स है, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर वेस्ट साइज इज, वहां पर आपको बंद करना है स्कर्ट एंड इट विल बी परफेक्ट टू योर फिटिंग. एंड दिस इज द टॉप जिसके स्ट्रैप्स तो एडजस्टेबल है ही, बट पीछे से तो सिर्फ टाई करना है. सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द चेस्ट साइज इज, शोल्डर्स इज, बॉम फिटिंग आएगी इसकी. सो दैट इंडो वेस्टर्न चूरा नहीं दूंगी एक चीज माननी पड़ेगी, स्ट्रीट शॉपिंग में भी कितनी क्वालिटी वाली चीज है. जैसे ये चीजें कई बार मॉल में भी नहीं होती है, रेप्रॉन स्कर्ट जो भी आप बता दो, या टाइप रहता है, अगर बटन है तो कई बार वो टाइप में क्या होता है, नोट खुल गई, वो कुछ ऐसी होता है, तो इसमें सिक्योर हो जाते हैं. और ये बहुत सारे बटन और काफी अच्छे से दिया है, इट्स वेरी नाइस. ये 650 रुपीज का था पूरा सेट. यू नो व्हाट वी कैन डू, कभी जब ट्विनिंग करना हो ना तो आई कैन वेयर द टॉप, यू कैन वेयर द स्कर्ट, ऐसे भी कर सकते हैं. लाइक दीज पीसेस कैन बी साइड अलग अलग भी. नॉर्मली व्हाट आई डू इज कि जो इसमें कलर होता है ना वही कलर पिक करके आई पिक द अदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ वी वेयरिंग द स्कर्ट ऑन इट्स ओन, ये टॉप के साथ नहीं, तो अ रेड स्पेगेटी विल लुक वेरी नाइस विद दिस, और इवन अ ब्यूटिफुल ऑलिव ग्रीन. सो दैट्स अ स्टाइल हैक फॉर स्टाइलिंग इट सेपरेटली. इसके साथ आई हैव अ ज्वेलरी पीस. Finally. नहीं, मैंने ज्यादा जूड़ी नहीं ली बिकॉज आई नो कि शी ऑलरेडी हैज लॉट ऑफ जंग जूलरी. आई डोंट नो व्हाट इज गोना थिंक ऑफ दिस, बट ओके, दिस इज अ नेकलेस. वाओ, मुझे लगा कुछ कड़ा समथिंग है. ओके, आई थिंक ये बनाया तो कड़े में ही सही है ऐसा मुझे लग रहा है, बट आई थॉट ये कुछ अलग है. नहीं, कुछ अलग तो है, यस डिफरेंट तो है, बहुत अच्छा लगेगा. ये भैया 450 का बोल रहे थे, बट आई बार्गेन्ड इट डाउन टू 300, उससे भी कम हो सकता था, बट मैंने थक गई थी बाय दैट पॉइंट. नहीं, बहुत अच्छा है. इधर भी छोटे छोटे घुंघरू का बंडल्स है. कड़ा भी बोलते हैं ना, एक कंबाइन, आई डोंट नो क्या पैटर्न बताएंगे, ये जो बीच में है वो इट्स लाइक अ झुमका अपना. सो काफी पैटर्न डिफरेंट है, ऐसा बहुत बाहर देखा नहीं है, इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा. हाँ, वाई आई वॉन्ट दिस टू बी स्टाइल विद दैट इज, उसकी नेकलाइन फ्लैट है इसलिए ये भी स्क्वायर है. तो हमेशा वेन यू मैच द शेप ऑफ द नेकलाइन विद योर ज्वेलरी, जैसे ऐसी नेकलाइन के साथ ऐसा बेटर लगता है, लाइक अ वी नेक नेकलेस. सो पूरा ऐसा बहुत सारा दिमाग लगाया था. ऑन टू द लास्ट आउटफिट नाउ, दिस इज मम्मी का मोस्ट फेवरेट प्रिंट इन द होल वाइड वर्ल्ड, इट इज लहरिया. लहरिया बहुत ही अच्छा लगता है. वो कैन यू गेस ये क्या है? वन पीस ड्रेस. ओके, यू कैन ओपन. आई एम होपिंग टू पीस. ओके, डोंट वरी, इसका पैड्स रिमूवेबल है तो वो टेंशन मत लेना. शी डजंट लाइक पैड्स थिंग्स. सो दिस इज अ फ्लोई ऐसा पेपलम क्रॉप टॉप. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. अगेन, इसको भी बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. इवन हम लोग भी लहरिया साड़ी बहुत पहनते हैं, तो अगर मिक्स एंड मैच करना है तो इसके ऊपर कोई डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का लहरिया साड़ी भी पहन सकते हैं. सो एज अ ब्लाउज, एज अ क्रॉप टॉप, इसको बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से यूज करेंगे. एंड नीचे स्कर्ट, हाफ पैंट. दीज आर वेरी वेरी फ्लोई शॉर्ट्स, मतलब वाओ, एकदम कम्फी होगा इसका. yes. पहनोगे तो वन पीस जैसा ही लगेगा. मुझे नीचे से जो इतनी ब्रॉड रहती है ना वो ही पसंद है, और ये काफी स्पेसियस है. वो जो बॉडी हगिंग शॉर्ट्स रहती है थाइस में से, वो कंफर्टेबल नहीं लगती है. दिस वन मोस्टली 600 का मिला था, बट सी द शॉपकीपर देयर ना, बहुत मुझे तो ऑनेस्ट लगे, लाइक एट एनी शॉप आई डिडंट फील कि ज्यादा पैसे कोट कर रहे थे. तो अगर मैंने इस वीडियो में प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे बोल दी, सो ट्रस्ट देम कि इससे लो नहीं हो सकती. बिकॉज कभी हो जाता है कि मैंने वीडियो में बोल दिया 600, बट वॉट इफ 650 इज द लास्ट प्राइस, तो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बट यहाँ 600-650 के बीच में ही था ये. आई डोंट हैव अ मैचिंग फुटवेयर विद दिस, बट जो लास्ट बाकी है वो है द कम्फीएस्ट पेयर ऑफ फुटवेयर आई हैव कम अक्रॉस इन इंडियन वेयर. It is these, and जो cushioning है इस पे along with this velvet fabric is too good. Best part is जो इसके straps है ना वो भी पूरे fabric के बने, so shoe bite is just not possible in this. ये pattern जो है ये western में काफी देखी है. This is like ऊपर जो बोलते है ना flower Indian print, उसमें मैंने नहीं देखा था. सो यस, अगेन जैसे बताया कि इसमें शू बाइट नहीं होंगे क्योंकि ये कपड़े का बना हुआ फैब्रिक है,
इन बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, वो हार्ड वाला भी नहीं है. सो वेरी नाइस एंड कम्फर्टेबल बिकॉज पूरे ओपन है. प्लस दीज आर सुपर बेंडी. सो अगर कम्फर्ट इज योर प्रायोरिटी इन फुटवेयर, जस्ट मेक श्योर की द सोल इज वेरी बेंडेबल. इट इज 100 टाइम्स मोर कम्फर्टेबल. दिस वॉज ओनली फॉर 200 rupees. वाओ, अच्छा लगता है स्ट्रीट शॉपिंग करना फॉर दिस रीजन, बिकॉज यू गेट ग्रेट प्राइसेस एंड यू फाइंड सच पीसेस विच आर नॉट लाइक एवरीवेयर अवेलेबल एंड वेरी हटके. एंड द लास्ट थिंग आई हैव फॉर हर, आई होप शी डजंट हैव दिस इन हर कलेक्शन क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है. इट इज अ पेयर ऑफ झुमकास. इट बेसिकली हैज कोडी वर्क ऑल्सो विथ इट. डू यू हैव ऐसा कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली सर्च कर रही थी समथिंग लाइक दिस. रियली मेरी विश लिस्ट में था. बहुत बहुत ही अच्छा, ये फिक्स हो सकता है. हाँ, ये हो जाएगा, ये जस्ट कड़ी निकल गई है. हाँ. यस, बट बहुत ही अच्छा. ये भी व्हाइट कलर है, सब में जाएगा. दिस आई गॉट फॉर 150 rupees इन वेरी लाइट वेट. सिर्फ देखने में बड़ा है बट बिल्कुल भी वेट नहीं है. यस, व्हाट वाज योर टॉप 3 पूरे बॉक्स में? बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इस बार हेली ने मेरा परफेक्ट टेस्ट पकड़ा है. सो सभी चीजें बहुत ही अच्छी लगी. ओनली 3 बतानी है? यस, ओनली 3. ओके, ओनली 3. सबसे पहले मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा, दिस एलिफेंट वाला. सो फर्स्ट ये. ओके, सेकंड आई लाइक दिस जूती. मुझे घुंघरू पसंद है और ये प्रिंट मैंने ज्यादा करके ये प्रिंट बहुत कम देखे थे. सो ये जूती मुझे बहुत पसंद है. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी दिस इन टॉप 3. यस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है. एंड थर्ड, वेरी कंफर्टेबल, जो ज्यादा यूज होती है, दिस बैग. वेरी यूजफुल क्योंकि इसमें काफी स्टफ आ सकता है. वन वाटर बॉटल, जैसे अभी मॉनसून की सीजन में अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं. एंड मुझे सनग्लासेस ऑलवेज कैरी करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी ज्यादा धूप में घूमती हूँ तो मुझे सिरदर्द कई बार हो जाता है. सो सनग्लासेस के बहुत सारी चीजें इसमें कैरी कर सकते, तो बहुत ही यूजफुल है. सो थर्ड आइटम मेरी होगी. वैसे तो काफी पसंद है, डिफिकल्ट था, बट दिस इज माई टॉप 3 थिंग्स. आई थिंक एज फॉर माई कैलकुलेशन, मिस्ट्री बॉक्स का सामान नहीं, लैपटॉप बैग मत गिनना मेरी, बट शायद 5000 से थोड़ा कम है. बट यू कैलकुलेट एंड लेट मी नो कि वॉज इट अ गुड मिस्ट्री बॉक्स एंड वॉट वॉज द एग्जैक्ट अमाउंट दैट वी स्पेंड. कॉमेंट करके बताना. आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल दैट बैक नाउ. दैट वॉज द सुपर फन मिस्ट्री बॉक्स. आई होप दोनों को अपना अपना गिफ्ट अच्छा लगा एंड यू शुड रेकमेंड वेयर वी शुड गो नेक्स्ट. एंड आई थिंक अभी मम्मी पापा को जाना चाहिए और मेरे लिए कुछ लाना चाहिए. यू नो दैट्स हाउ इट शुड बी. आई एम प्लानिंग समथिंग. वेट, आप देखना, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई हैव वन प्लान. चीयर्स प्लान. सो माय प्लान इज ऑन. If you enjoyed watching this video, do give it a thumbs up and subscribe to our channel for future videos. If you did not enjoy watching this video, then ask for the thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.